नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे अपनी अच्छी आदतों को बनाए रख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे एक चीज़ पर अपना पूरा ध्यान दे सकते हैं। मल्टीटास्क करना या एक बार में बहुत सारी चीज़ें करना बुरी तरह से अक्षम है। एक चीज़ चुनिए और उस पर अपना अविभाजित ध्यान दीजिए। अगर कुछ महत्वपूर्ण है, अगर हमें वो चीज़ पूरी करनी है, तो क्या हमें उस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। बहुत सारी व्याकुलताएं होती है। उदाहरण के लिए हमारा स्मार्टफोन, जैसे माँ को फ़ोन करना रहता है, या फिर फ्लाइट की टिकट बुक करनी होती है, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना रहता है, और क्या कुछ। हालांकि हम कुछ चीज़ें एक बार में कर सकते हैं, जैसे कि चलते हुए फ़ोन पे बात करना, पर सिर्फ तब जब हम सुरक्षित जगह पर चल रहे होते हैं, जैसे कि घर, गार्डन या फुटपाथ, ना कि रोड क्रॉस करते वक्त। इस समय में हमें अपना ध्यान चलने पर भी देना होता है और फ़ोन पर बात करने पर भी। जब हम दोनों को बैलेंस करते हैं, तब हम ये कार्य पूरी तरह से कर पाते हैं। हम एक साथ में प्रभावी रूप से दोनों कार्यों पर ध्यान दे सकते हैं, पर अपना संतुलन खोए बिना। इसका मतलब ये है कि जब हम मल्टीटास्किंग के बारे में सोचते हैं, तो हम एक कार्य से दूसरे कार्य में फुदकते रह जाते हैं, या दो से ज़्यादा कार्य भी करने की कोशिश करते हैं, और इस दौरान हम कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाते या अच्छे से समाप्त नहीं कर पाते। अनुसंधान या रिसर्च के हिसाब से इंसानों का इस तरह कार्य बदलने का परिणाम समय का दंड होता है, क्योंकि एक काम से दूसरे काम के लिए समय लगता है और एक काम से दूसरे काम के लिए ध्यान भी लगता है। ये समय देना छोटे और सरल कार्यों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर यह बढ़ता ही जाता है जब कार्य जटिल हो जाते हैं। दिन में ये समय के दिन जल्दी जुड़ जाते हैं। अवस्थान पर ऑफिस के कर्मचारी हर 11 मिनट विचलित हो जाते हैं अपने काम को लेकर, और अपने काम करने वाले दिन का एक तिहाई हिस्सा, यानी कि 1/13 पार्ट ऑफ द डे, ये अपना वेस्ट करते हैं अपने विचलितपन को दूर करने के लिए या उससे बचने के लिए। क्या सच में आप अपने दिन का एक तिहाई हिस्सा खो सकते हैं? अंदाज़ा लगाइए कि आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है एक दिए गए समय में, और उसी पर अपना अविभाजित ध्यान लगाइए। मैं ना ही अपना फ़ोन म्यूट पर रखती हूँ, बल्कि उसे अपने पर्स या कंप्यूटर बैग में डाल देती हूँ, ताकि मुझे अपने काम में कोई दखल महसूस ना हो और ताकि मैं विचलित ना हो सकूं। फ़ोन के रहते मैं कोई भी कार्य पूर्ण तरीके से नहीं कर पाती या ठीक से नहीं कर पाती। अपना फ़ोन काम के वक्त तभी यूज़ कीजिए जब वो ज़रूरी है आपके काम के लिए। आपके मिस्ड कॉल्स या व्हाट्सएप के मैसेजेस आप बाद में भी चेक कर सकते हैं, और निश्चित रूप से इंस्टाग्राम, फेसबुक और क्या कुछ नहीं। एक बार अगर मैं जो कार्य कर रही हूँ वो पूरा हो जाता है, तो मैं अपना फ़ोन निकाल देती हूँ और जी भर के यूज़ कर लेती हूँ। हमें दूसरी चीज़ों के लिए तभी वक्त निकालना चाहिए जब हमारा कार्य पूर्ण हो चुका होगा। आजकल तो यही सबसे सरल तरीका है अपने कार्यों पर ध्यान देने के लिए पूरी तरह से। ज़्यादा उत्पादक होने पर क्या आप सबको अपने फ़ोन बार बार चेक करते हुए नहीं देखते? कौन स्वामी है और कौन दास? हम सब इन मोबाइल फ़ोन के बेवकूफ़ दास बन चुके हैं, ज़रा सोच कर देखिए। अगली वीडियो में मैं आपको इच्छा शक्ति के बारे में बताऊंगी, देखिएगा ज़रूर।